नमस्कार, मैं हूं आचार्य डॉक्टर प्रेम शंकर त्रिपाठी। आप सभी का हमारे कार्यक्रम भाग्योदय में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हम बात करेंगे हरि शयनी एकादशी की। आषाढ़ माह की एकादशी तिथि, आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि हरि शयनी एकादशी होती है और भगवान श्री हरि विष्णु निद्रा में चले जाते हैं। और कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी में, देवोत्थनी एकादशी में वो जागृत होते हैं। तो चार महीने तक वर्षा काल में, ये चतुर्मास में श्री हरि नारायण शयन करते हैं। इस विषय पर आज हम आपको बताएंगे। दैनिक राशिफल के बारे में बात करेंगे, मूलांग के बारे में बात करेंगे, वास संबंधी महा उपाय बताएंगे और दिन को बेहतर करने के लिए आपको एक सलाह देंगे। लेकिन सबके पहले आइए जानते हैं आज का पंचांग। आज 12 जुलाई 2019 दिन शुक्रवार, आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि मध्य रात्रि के बाद 12:31 तक रहेगी। विशाखा नक्षत्र दोपहर के बाद 3:57 तत्पश्चात अनुराधा नक्षत्र प्रारंभ होगा। साध्य योग प्रातः 6:20 तत्पश्चात शुभ योग प्रारंभ होगा और प्रातः 9:54 पर वृश्चिक राशि में चंद्रमा प्रवेश करेगा। लखनऊ में राहु काल प्रातः 10:28 से दोपहर 12:11 तक रहेगा। शुक्रवार का दिन है, पश्चिम दिशा शूल है, यात्रा नहीं करना है। दिशा शूल है लेकिन यात्रा यदि करना आवश्यक है तो पीला मिष्ठान खाकर आप यात्रा कर सकते हैं, यात्रा सुखद होगी। भद्रा काल दोपहर 12:47 से रात्रि में 12:31 तक रहेगा। रवि योग दोपहर के बाद 3:57 तक है। कुमार योग 3:57 तक है और रवि योग मध्य रात्रि के बाद में 12:31 के बाद से अगले दिन सूर्योदय तक रहेगा। अब आइए वास संबंधी एक महा उपाय जान लेते हैं। शुक्रवार के दिन, एक तो आज हरि शयनी एकादशी भी है, तो आज के दिन आपको बंधन वार अपने द्वार पर लगाना चाहिए, जिसमें खासकर 5 वृक्षों का बड़ा महत्व है। एक तो बरगद, नीम, केला और पीपल, इनके पत्तियों का यदि बंधन वार लगा दें बहुत कल्याण होता है। कहीं कहीं बेल वृक्ष के भी बेल पत्ते भी लगा दिए जाते हैं, पुष्प आदि लगा दिए जाते हैं, नीम की पत्तियां लगाई जाती हैं और अशोक की पत्तियां लगाई जाती हैं। तो हरि शयनी एकादशी के दिन इन वृक्षों का बड़ा अपना महत्व है। अशोक, नीम, बरगद, पीपल और केला बहुत बड़ा महत्व है। यदि आप ऐसा लगाते हैं, वास देवता के साथ में पंच देवता, स्थान देवता, कुल देवता प्रसन्न हो जाते हैं और जिनके घर में लगाया जाता है वहां पर पितृदोष समाप्त हो जाता है। क्योंकि हरि शयनी एकादशी के दिन ये शास्त्रीय परंपरा है कि सकारात्मक तत्व का प्रभाव धरती पर कम हो जाता है। क्या कारण है? जब वर्षा काल में प्रकृति में जल तत्व बढ़ जाता है, जल तत्व का स्वामी चंद्रमा और शुक्र है, इनके बढ़ने पर शुक्र जब बढ़ जाता है और सूर्य का प्रकाश मध्यम हो जाता है, तब ऐसे में प्रकृति जलार्ध हो जाती है और नकारात्मक शक्तियां, संक्रमण आदि बढ़ जाते हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि सकारात्मक तत्व का प्रभाव कम हो गया तो आज के अनुसार, वैज्ञानिक के अनुसार, कि इसमें सूर्य का प्रभाव, प्रकाश कम हुआ, सूर्य सभी ग्रहों का अधिपति है, इसलिए सकारात्मक तत्व का प्रभाव कम हुआ, विष्णु भगवान सो गए। अब पौराणिक मान्यता में आ जाइए। श्रीहरि नारायण 4 विश्राम करते हैं। इस 4 में भगवान शिव जगत का संचालन करते हैं, देवी पार्वती के साथ में जगत का संचालन करते हैं।
लेकिन देवी भागवत के अनुसार भगवती लक्ष्मी संचालन करती हैं, इस तरह कहा गया है। तो श्री हरि नारायण जब शेष नाग पर क्षीर सागर में अर्ध निद्रा में होते हैं, उस समय समस्त देवता इन चार महीने तक खास उनकी पूजा करते हैं, जिनको चतुर्मास कहते हैं। संत महात्मा जहाँ पर होते हैं वहीं रहते हैं, नदियों को पार नहीं करते हैं, यानी उनकी यात्रा स्थगित हो जाती चार महीने तक, क्योंकि कोई भी नदी वो पार नहीं करते, क्योंकि देवी भागवत के अनुसार सारी नदियाँ ऋतुमती हो जाती हैं। इसलिए इन चार महीनों में नदियों में स्नान भी करना महापाप हो जाता है, स्नान नहीं करना चाहिए इन चार महीनों में। यदि आप गंगा नदियों में स्नान करते हैं, आप जल पहले से रख लें, अपने घर में गंगा जल डाल के स्नान कर सकते हैं, लेकिन नदियों में जाकर स्नान नहीं करना चाहिए। उसका वैज्ञानिक पहलू ये है कि जब बाढ़ आदि हो जाती, वर्षा काल होता है, तो नदियों में बहुत सारा गंदा जला जाता है, उस स्नान करने पर त्वचा के विकार, बहुत सारे रोग हो जाते हैं। इसलिए शास्त्रों में इस बात को पहले जानकर, पहले से ऋषियों ने इस बात को जाना और इसको पहले से मना कर दिया। हम इस बात को और आगे बताएंगे अल्पविराम के बाद, पहले आइए चार राशियों का हाल जान लेते हैं। मेष राशि के जातक अपनी वाणी अपने व्यवहार में एक सुंदर उसका आचरण लाएं, सामने वाले को सोच समझ कर आप जवाब दें, प्रियता और मधुरता बनाए रखें, परिजनों का आप बहुत ख्याल करें। आर्थिक रूप से थोड़ा सा तंगी की स्थिति है, लेकिन स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। गुलाबी रंग के वस्त्र का आप चयन कर लें। शुभ अंक आपका 5 है, भाग्य आपका 55% है। वृषभ राशि के जातक समय थोड़ा सा कठिनाई भरा है, तनाव आक्रोश हो जाना, क्रोध आ जाना ये स्वाभाविक है। थोड़ा सौंफ का प्रयोग करें भोजन के उपरांत, बहुत लाभ होगा। छाछ का प्रयोग करें, पश्चिम दिशा से शुभ सूचना मिलेगी। माता पिता की सेवा करें, बहुत लाभ होगा। अहम को, अहंकार को थोड़ा कम करिए। और साथ ही साथ आपको चाहिए कि आप क्रीम रंग के वस्त्र का आप चयन कर लें। शुभ अंक आपका 1 है और भाग्य आपका 81%। मिथुन राशि के जातक विरोधी परास्त होंगे, कार्य क्षेत्र में थोड़ा तनाव मिल सकता है, उदर विकार की संभावना है, अतिथि आ सकते हैं, और बकरी का यदि कहीं दूध मिल जाए बड़ा लाभ होगा। अगर नहीं मिल पाता है तो आपको बरगद के पत्तों पर आज कपूर जलाना चाहिए, बहुत कल्याण होगा। और आज के दिन आपको हरे रंग के वस्त्र का आप चयन कर लें। शुभ अंक आपका 3 है और भाग्य आपका 73%। कर्क राशि के जातक शांति बनाए रखें, शालीनता और नम्रता ये आपका आभूषण है, इसको न त्यागें। जीवन साथी के प्रति बेहतर संवाद करें, तुनक मिजाजीपना को दूर करें, कार्यस्थल पर सम्मान होगा। और कपूर से भगवान शिव की आरती करेंगे, शिव दरबार की आरती करेंगे, तो आपके बहुत सारे जो काम हैं, जो अटक गए हैं, जो मुश्किलें हैं वो दूर हो जाएंगी। और आज के दिन आपको नारंगी रंग के वस्त्र का आप चयन कर लें। शुभ अंक आपका 4 है और भाग्य आपका 54%। वक्त हो गया है छोटे से अल्पविराम का, अल्पविराम के बाद आएंगे सिंह राशि से वृश्चिक राशि तक दैनिक राशिफल आपको बताएंगे। अल्पविराम के बाद एक बार पुनः आपका स्वागत है। आइए पहले सिंह राशि से वृश्चिक राशि तक दैनिक राशिफल को जान लेते हैं। सिंह राशि के जातक प्लस स्वभाव में नम्रता रखें, कार्यस्थल का विस्तार होगा, नवीन वाहन की प्राप्ति हो सकती है और संबंधों से, मित्रों से धन का लाभ होगा। और आज के दिन आपको पीले रंग के वस्त्र का चयन करना है। शुभ अंक आपका 7 है, भाग्य आपका 75% है। कन्या राशि के जातक
पुराने मित्रों से लाभ का योग बना है, अचानक कोई हर्ष का समाचार प्राप्त होगा। तांबा धारण करना बड़ा उत्तम है, छाछ का प्रयोग करें क्योंकि उदर में समस्या कोई हो सकती है, त्वचा में विकार आ सकते हैं। सरसों के तेल में कपूर मिलाकर स्नान के पहले मालिश करें, बहुत कल्याण होगा। और आज के दिन फिरोजी रंग के वस्त्र धारण कर लें। शुभ अंक आपका 6 है और भाग्य आपका 68% है। तुला राशि के जातक, किसी धारदार वस्तु के द्वारा चोट लग सकती है, थोड़ा सावधान रहिए। जीवन साथी के प्रति एक सम्यक आचरण रखें और बैठकर वार्तालाप करें, समय दें। भगवान शिव के मंदिर जाएं और शिवलिंग पर पंचामृत का अभिषेक करें। यदि आप आज के दिन एक मुट्ठी चावल भगवान शंकर पर धार की भांति गिराएंगे, नमः शिवाय मंत्र बोलेंगे तो धन का लाभ होगा। और आज के दिन धानी रंग के वस्त्र का आप चयन कर लें। शुभ अंक आपका 3 है और भाग्य आपका 83% है। वृश्चिक राशि के जातक, अपनी वाणी पर संयम रखें, विरोधी आपके सक्रिय हो सकते हैं। कपटपूर्ण जो आचरण है उसको त्याग दें कि सामने आप मीठी बात करें, पीठ पीछे बुराई करें, ऐसी भावना यदि आप में है, क्योंकि वृश्चिक राशि में होता है, तो इसको त्याग दीजिए, ये आपके लिए बहुत ठीक नहीं है। और लोहे का अपने बराबर एक त्रिशूल बनवा करके और शिव मंदिर में लगा दें, बड़ा कल्याण होगा। और आज के दिन आपको चाहिए बैगनी रंग के वस्त्र धारण कर लें। शुभ अंक आपका 8 है और भाग्य आपका 80% है। आपको बता रहे थे हरि शयनी एकादशी के बारे में। ये चतुर्मास होता है, संत महात्मा एक स्थान बैठकर 4 माह तक हरि का भजन करते हैं। इस महीने में शाक सब्जी ये चतुर्मास नहीं खाया जाता। आषाढ़ माह में साग सब्जी खाने पर बहुत सारी बीमारियां हो जाते हैं, संक्रमण हो जाते हैं, नहीं खाना चाहिए। जब प्रकृति में जल तत्व बढ़ जाता है तो बहुत सारे कीट पतंगे भी हो जाते हैं, तो तब उसमें साग सब्जी आदि में गंदगी आ जाती है, नहीं खाना चाहिए। दूसरी बात, श्री हरि नारायण का स्मरण करना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिबस्वामृत मेत देव, गोविंद दामोदर माधवेती। ये गोविंद दामोदर स्त्रोत है, इसका पाठ करने पर 4 माह पाठ करें तो आपके मन के अनुकूल हर वस्तु प्राप्त हो जाती है, ऐसा शास्त्र हमारे कहते हैं। दूसरी बात है कि प्रातः काल उठकर स्नान आदि सूर्योदय के पहले करें, लगभग 5 बजे के पहले, और श्रीहरि नारायण का 2 घड़ी तक जाप करें। 1 घंटा 1 घड़ी में 24 मिनट अर्थात 48 मिनट तक श्रीहरि नारायण को गंध अक्षत पुष्पादि से पूजन करें और तत्पश्चात ओम नमो नारायणाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री हरि शरणम, जो भी आपको मंत्र प्रिय लगे उस मंत्र का बहुत ध्यान से और सामने आँख बंद करके मंत्र को दृष्टा की भाव देख करके जाप करिए, आपके जीवन की सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी, बहुत कल्याण होगा। किसी भी तरह का संकट है वो संकट नारायण दूर कर देते हैं। नारायण, नारायण का अर्थ है कि नारायण जल में सोने वाला। एक शास्त्र और भी कहते हैं, ये भी कहता है कि जल का संचरण करिए, संरक्षण करिए, बहुत कल्याण होगा। और जलीय वस्तुओं को जब आप ढंग से रखते हैं और एक सिस्टमेटिक ढंग से काम करते हैं तो बहुत उत्तम हो जाता है। कपूर का सेवन इस माह में करना चाहिए, फिटकरी का सेवन करना चाहिए। यदि मान लिया बहुत अधिक सीलन आ रहा घर में, संक्रमण हो गया, एक कांच के पात्र में आप फिटकरी रखिए, 24 घंटे में सीलन कम हो जाती है और संक्रमण कम हो जाता है, तो इन सब चीजों से आपको लाभ होगा। नारायण के मंत्रों का जाप करिए, श्री हरि शरणम का मानसिक जाप करिए, भगवान बहुत कल्याण करते हैं क्योंकि करुणा निधान है।
वो पीर जब सुनते हैं ना दौड़ पड़ते हैं। तो ऐसे प्रभु का स्मरण करिए। आपने सुना ही होगा गजग्राह की लड़ाई में जब गज ने पुकारा तो नंगे पांव कूद पड़े थे अपने वाहन से, गरुड़ से नंगे पांव दौड़ के आए और गज को बचा लिया। तो जब आप जब वो पशु पक्षी को बचा लेते हैं तो आप तो मानव हैं, सुंदर कृति है भगवान की। उनका स्मरण करिए, हृदय से करिए, पूरे भाव से करिए, तो कृपा करेंगे, अवश्य करेंगे। शंकर जी ने कहा भी है कि मन क्रम वचन छाणी चतुराई और भजत कृपा करी है रघुराई। अगर आप चतुराई त्याग करके मन वचन कर्म से भगवान का स्मरण करोगे तो निश्चय ही भगवान कृपा करेंगे ही। अब वक्त हो गया छोटे से अल्पविराम का, अल्पविराम के बाद में धनुराज से और मीन राज तक आपको दैनिक राजफल बताएंगे। अल्पविराम के बाद एक बार पुनः आपका स्वागत है। आइए धनुराज से मीन राज तक दैनिक राजफल के बारे में जान लेते हैं। धनुराज के जातक सिद्धि प्राप्त का योग बना है। सिद्धि का अर्थ है कि आपके कामनाओं की, आपके द्वारा किए गए कर्मों का फल प्राप्त होगा, यानी जो आपने कर्म पहले किए हैं अब उसका फल मिलेगा। संतान के द्वारा लाभ होगा, घर में कोई यज्ञ आदि क्रियाएं हो सकती हैं, श्रीहरि नारायण के निमित्त यज्ञ करिए, हवन करिए, बहुत लाभ होगा। गीता जी का दान करिए, देखिए कितना कल्याण होता है। और गीता जी का दसवां अध्याय का पाठ करिए तो बुद्धि ज्ञान विवेक बढ़ जाता है, बहुत कल्याण होगा। और आज के दिन आपको चाहिए नारंगी रंग के वस्त्र का आप चयन कर लें। शुभ अंक आपका 9 है और भाग्य आपका 91% है। मकर राशि के जातक चिंतन करें प्रभु का और चिंता त्याग दीजिए। बहुत सारे चिंता तनाव को लिए आप बैठे हुए हैं, होगा वही जो प्रभु हो चाहेंगे। तो तनाव को त्याग दीजिए और कर्म करिए। उदर विकार की संभावना है, मानसिक तनाव बढ़ा हुआ है, आर्थिक समस्याएं हैं, तो आप कर्म करिए, मेहनत तो करिए लेकिन फल के लिए चिंता न करिए, तनाव न करिए। आप एक कर्म के अनुसार प्रभु उसका फल देंगे, देने में देर सवेर हो सकती है लेकिन तनाव ना करिए। और आज के दिन नीले रंग के परिधान पहनिए। शुभ अंक आपका 3 है और भाग्य आपका 63%। कुंभ राशि के जातक पश्चिम दिशा से शुभ सूचना मिलेगी। संतान के द्वारा लाभ का योग बना हुआ है। किसी जानवर से चोट लग सकती है, थोड़ा सावधान रहिए। और फलों का दान करना बड़ा उत्तम है। आज पीला वस्त्र नारायण को अर्पण करेंगे, बहुत कल्याण होगा। और आज के दिन आपको चाहिए गुलाबी रंग के वस्त्र का आप चयन कर लें। शुभ अंक आपका 5 है और भाग्य आपका 54%। मीन राशि के जातक पुराने मित्रों के द्वारा विशेष लाभ का योग बना है। अचानक कहीं यात्रा हो सकती है। गौ सेवा बड़ा उत्तम होगा आपके लिए। घी का दान करें, बड़ा लाभ होगा। आज के दिन आपको चाहिए घर में शंख बजाएं, कौड़ी लाएं और एक तांबे के पत्र पर ओम लिखें या स्वास्तिक लिख लें, पूजा में रखेंगे, बहुत कल्याण होगा। और आज के दिन सुनहरे रंग के वस्त्र का आप चयन कर लें। शुभ अंक आपका 2 है, भाग्य आपका 88% है। अब वक्त हो गया मूलांक के द्वारा अपने आज के दिन को बेहतर करने के लिए क्या उपाय किए जाएं, आइए जान लेते हैं। मूलांक कहते हैं कि आपका जन्म जिस तिथि में जिस दिन होता है वो दिन मूलांक होता है। अगर 5 है 9 है तो 5 मूलांक 9 मूलांक, अगर 11 15 25 है तो उन दोनों को जोड़ लीजिए, तो इस तरह से मूलांक आपका आ जाता है। तो आप जानिए कि मूलांक के अनुसार आज के दिन को बेहतर करने के लिए वो छोटे कौन से उपाय किए जाएं। मूलांक 1, आज के दिन नारायण के केशवाय नमः मंत्र का जाप करना बड़ा कल्याणकारी होगा। मूलांक 2, नारायणाय नमः इस मंत्र का जाप करेंगे, बड़ा लाभ होगा। मूलांक 3, माधवाय नमः इस मंत्र का मानसिक जप करिए। मूलांक 4, लक्ष्मी नारायणाय नमः इस मंत्र का मानसिक जाप 24 मिनट करेंगे, बहुत कल्याण होगा। मूलांक 5, श्री हरि शरणम इस मंत्र का जाप करें। मूलांक 6, गोविंदाय नमः
मूलांक 7 गोपी जन वल्लभाय स्वाहा, मूलांक 8 हरि शरणम श्री हरि शरणम, मूलांक 9 पूर्णाय नमः वासुदेवाय नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इन तीनों में कोई एक मंत्र आप 24 मिनट यदि आप जाप करते हैं, नित्य का नियम बना लें 4 माह तक, तो आपके जीवन की मुश्किलें समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि भगवान नारायण के पास में सकारात्मक तत्व ही रहते हैं, देवता ही रहते हैं, दैत्य नहीं रहते हैं। तो दैत्य नकारात्मक तत्व है, तो सकारात्मकता कब आएगी? जब आपका अंतःकरण मन आत्मा की तरफ चलेगा। आत्मा सूर्य है, मन चंद्रमा है, तो जब आप मन से किसी मंत्र का मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, जाप करेंगे, तो आपके शरीर में, आपके काया में एक ऐसी ऊर्जा आएगी कि आप विलक्षण हो जाएंगे और बेहतर कर्म करेंगे समाज में, अपने परिवार, समाज, राष्ट्र के लिए। इसलिए आपने जाना आज कि मूलांक के अनुसार छोटे सरल उपाय जिनको करने पर दिन में बेहतर होगा। अब आइए दिन को बेहतर करने के लिए सलाह ले लें। आज की सलाह है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का मानसिक जाप करिए, बहुत कल्याण होगा। तो आज के संत में इतना ही, कल पुनः किसी नए विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। नमस्कार।